ये इनकी ड्रम रखी हुई है। ये दूध का कलेक्शन सेंटर 100% क्लीन है, मतलब ये इसमें कोई वो नहीं है कमी, मतलब। गुड मॉर्निंग, आज अनदर डे व्लॉग, और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मैं अभी तक बस मुँह हाथ धो के बाल वगैरह रेडी करके आप लोगों के लिए व्लॉग करने निकल गया हूँ। आज कुछ सरप्राइजिंगली प्लानिंग तो यह है कि कुछ सरप्राइजिंगली एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं कितना मैं दिखा पाता हूँ। और जहाँ मैं स्टे मैं रुका हुआ हूँ आज, वहाँ से ये नज़ारे देखिए आप। ये सुबह 6:30 बजे ये व्यू है यहाँ का, और सूर्य देखिए, सूर्य देवता हमारे कहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ से चलते हैं, ये घड़ी है अपनी घड़ी, और बहुत ही गंदी हो रही है। देखिए कल बारिश हो रही थी, क्योंकि लिट्सी यहाँ पे से बाहर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं आज के नज़ारे। आज कुछ नया, कुछ डिफरेंट सा, क्योंकि हमारा काम ही है एक्सप्लोर करना नई नई जगह, नई नई चीज़ें, तो आपको लेके चल रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक छोटी सी दूध की कलेक्शन सेंटर है, जिस जहाँ पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, कलेक्शन सेंटर। आपको दिखाते हैं आज कि कैसे दूध से दूध कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि आसपास के 3 गांव कहा जाता है, यहाँ पे आसपास के 3 गांव वाले यहाँ पे दूध सप्लाई करने आते हैं, मतलब दूध गाय या भैंस का कलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देने आते हैं। तो चलिए, तो कलेक्शन सेंटर पे ही दिखाता हूँ कैसा है दूध का सेंटर और कितना बड़ा है। हम पहुँच गए ऑलमोस्ट, यह है दूध का कलेक्शन सेंटर। यहाँ पे ये कुछ तरीके बताए गए, ये कुछ मशीनें भी रखी हुई हैं। ये किस चीज़ के लिए होती है मशीन है? ये है, हाँ जी, वो ये वजन तोड़ने की, वो फैट वगैरह ऐसे ना, फैट और रेट। अच्छा, सब निकालते हैं फैट और रेट, मशीन भी, फैट भी, ऐसे ना भी, रेट भी, सब निकाल। अच्छा, सब निकालने आती है। और ये इन्हीं मशीनों से निकलते हैं, इन दोनों मशीनों से? हाँ, ये वजन वाली, ये वाली वजन की है। हाँ जी, इसमें तराजू ऑब्जर्व करता है वो गेट। हाँ जी, अपने आप ही अच्छा आ जाता है, सब ऑटोमेटिक है। तो इसमें इसमें फैट ऐसे बताता है, इसमें उसकी गुणवत्ता के आधार पर रेट पर्ची निकाल देता है। ओके, प्योरिटी कितनी है दूध में, दूध में कितना घी वगैरह फैट वगैरह है, सब वो उसके हिसाब से रेट निकालता है। जिसका पानी मिला होगा तो अपने आप बता देगा, अच्छा उसके रेट ही नहीं देगा। अच्छा, तो अभी आप लोगों को दिखाया मैंने, ये वेइंग मशीन है, इधर वेइंग मशीन सबने देखी होगी, लेकिन ये वाली मशीन है जो कि आपका फैट बता रही है और उसमें ही ऑटोमेटिकली कुछ कलेक्ट करके बता रही है कि रेट क्या लगना है उसका, क्योंकि इसमें प्री डिफाइंड रेट फिक्स होते हैं जो कि सेंटर की तरफ से रेट दिए जाते हैं। पहले सबको पर्ची मिल जाती है, उसमें से फिर सबकी लिस्ट निकल आती है वो। ओके, तो इसमें अच्छा उनके नाम के हिसाब से रेट की किसका कितना कोड नंबर है, वो जिसका कोड जो ठहरा बस, सॉरी जैसे नहीं आए हैं, 24 वाला नहीं आया। अच्छा, 14 वाला नहीं आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे कोड नंबर पड़े थे ना। ये अपने नाम और नंबर देखिए, इनके नंबर्स डले हुए हैं, इनके क्वांटिटी डली हुई है, रेट डले हुए। देखो कितना दूध था, क्या क्या इसमें थी, क्या क्वालिटी थी, कितना दर गया, कितनी दूध था, अमाउंट आ गया। ये मशीन से निकलता है डेली, उसका बता देगा वो। अच्छा,
तो ये आपके लिए आज सरप्राइज व्लॉग था कि आपको बताया था मैंने कि आज कलेक्शन दूध कलेक्शन सेंटर में लेके जा रहा हूँ। तो ये कलेक्शन सेंटर है, यहाँ के अनबिस जी है जो इनके ऑनर हैं यहाँ के, और ये पराग दूध पास दूध आँचल दूध का उत्तराखंड में आँचल दूध चलता है, उनका कलेक्शन सेंटर है। यहाँ से आसपास के तीन गांव वाले यहाँ पे दूध देने आते हैं, तीन गांव वाले देने आते हैं। चलिए अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।